दादा यहाँ पर अभी क्या काम चल रहा है? पॉलिश का काम चल रहा है। अभी यहाँ पर क्या काम हो रहा है आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि यहाँ जो पेंटिंग हो रहा था उसमें और ये पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो एवरीवन। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका छोटा भाई पार्थ भानुशाली और आप देख रहे हैं कॉमेडियन बाबा जी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, डोंबिवली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बप्पा के स्वागत की। लोग बेकरार हैं गणपति बप्पा को अपने घर लाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो हमारे गणपति बप्पा के लिए हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गणपति बप्पा की मूर्ति कैसे बनती है, मूर्ति कैसे पेंट होती है, मूर्ति की क्या साइज होती है, क्या प्राइस होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि बप्पा की मूर्ति आखिर कैसे बनती है। तो चलिए यार, पहले कमेंट में वीडियो देखने से पहले गणपति बप्पा मौर्या लिखना ना भूले। चलिए लेते हैं बप्पा का नाम और शुरू करते हैं हमारा काम। गणपति बप्पा मौर्या। सगल जगाचा तारणहार तू, या विश्वासा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्ताची का मना पुरविता, महाद्वारया नगरीचा तू, महाद्वारया नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका। बप्पा की मूर्ति कैसे बनती है इसका पूरा प्रोसेस तो आज मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ, लेकिन भाई उससे पहले आज हमारे साथ हैं आरव कला केंद्र के ओनर तुषार मात्रे के छोटे भाई कुणाल दादा। तो कुणाल दादा, क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि हमारे आरव कला केंद्र में मूर्ति से जुड़ा कौन सा काम होता है? आरव कला केंद्र में पॉलिश से लेकर टचअप से लेकर पेंटिंग से लेकर डायमंड वर्क या ओरिजिनल धोती चाहिए रहेगा तो ओरिजिनल धोती भी पहना के मिल जाता है, और मेरे इधर 8 इंच से लेकर 10 फीट तक की मूर्ति भी मिल जाती है। कितने प्राइस से लेके मूर्तियाँ स्टार्ट होती है और कितने प्राइस तक जाती है? 1000 से लेके 20000 25000 तक भी मेरे पास मूर्ति जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हमारे आरव कला केंद्र में गणपति बप्पा की मूर्ति बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। गाइज, अगर आप डोंबिवली में रहते हो तो भाई प्लीज एक बार आरव कला केंद्र जरूर से विजिट करना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको मूर्ति का काम बहुत अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर आप चाहें तो शॉप के ओनर तुषार मात्रे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा और भाई मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी डाल रहा हूं। तो चलिए आज का मेन वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आखिर यहां पर बप्पा की मूर्ति किस तरह से बनती है। तो दादा, यहां पर अभी क्या काम चल रहा है? ये पॉलिश का काम चल रहा है। कितना टाइम लगता है एक मूर्ति को पॉलिश करने में? एक मूर्ति पॉलिश करने के लिए आधा घंटा लगता है। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर अभी बप्पा की मूर्ति को पॉलिश करने का काम चल रहा है और एक मूर्ति को पॉलिश करने में करीब करीब आधा घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि मूर्ति को पॉलिश कैसे किया जाता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि पॉलिश होने के बाद मूर्ति को किस तरह से पेंट किया जाता है। चलिए दादा से पूछते हैं कि मूर्ति को पेंट करने का और फिनिशिंग करने का क्या तरीका। तो दादा, अभी यहाँ पर क्या काम हो रहा है आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो? अभी हम लोग यहाँ पे मूर्ति का काम कपड़ा कलर भरने का काम कर रहे हैं। ये कपड़ा कलर होने के बाद उसके ऊपर शेड हो जाएगा, शेड होने के बाद उसका पूरा पेंटिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, मतलब मूर्ति पॉलिश होने के बाद आप जो अभी काम कर रहे हो वो पेंटिंग का काम होगा? हाँ, वो पेंटिंग का काम। इसके ऊपर हम कपड़ा चढ़ाएंगे, कपड़ा चढ़ने के बाद इसको शेड करने के बाद वो गणपति क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद और एक कलर आता है क्या? हाँ, इसके ऊपर अभी हम लोग ये करने के बाद इसके ऊपर शेड आएगा, मशीन से किया जाता है, वो शेड बनाने के बाद मूर्ति क्लियर हो जाएगा। ओके दादा, थैंक यू। तो दादा, क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो कि यहाँ जो पेंटिंग हो रहा था उसमें और ये पेंटिंग में क्या डिफरेंस है? वो कलर लाइट कलर रहता है, उसको शाइन देने का काम मेरा रहता है, वो मैं शाइन कलर देता हूँ। अच्छा, मतलब ये फिनिशिंग के लिए होता है, बाकी पूरा कलरिंग वहाँ पे होता है। दादा, यहाँ पर कौन सा काम चल रहा है? डायमंड वर्क। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यार, यहाँ पर डायमंड वर्क का काम चल रहा है और बप्पा की मूर्ति कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। गाइस, आप लोग देख सकते हो। हे गजानन, हे गजानन, हे
मेरी तो गणपति बप्पा से बस इतनी ही प्रार्थना है कि बप्पा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे और हम सब सुरक्षित रहें। दोस्तों, बप्पा के आशीर्वाद से और आप सबके साथ से हमारे चैनल पर 450 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना, ताकि बप्पा से जुड़ा हमारा हर वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। दुखकर्ता कूदुकर्ता बप्पा विनायका, तेजवंदन पार्वती नंदन बप्पा विनायका, सर्वजनार्थ प्रिय दैवत बप्पा विनायका।